Hi, yes, we are teachers, lifelong learners. I, Professor Pratibha, I welcome you back in our YouTube channel. Yes, today's video, it is the short video and it is very important because today I'm going to tell you 10 important guidelines related to SPP online exam July 2021. So let's see what are the 10 important guidelines. फर्स्ट दैट इज टाइम टेबल, यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है और नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने उसका जो भी अभी एस पी पी ओ का बी एड का टाइम टेबल है वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो शायद आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि जो एग्जाम है वो 1 घंटे का है और यहाँ पे 3 से 5 बजे तक का टाइमिंग दिया हुआ है, यानी 2 घंटे का टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने ये कंसिडर करके दिया, या फिर कोई स्टूडेंट थोड़ा लेट ज्वाइन हो जाता है तो अगला 1 घंटा उसको एग्जाम अटेंड करने के लिए मिल जाए, ये सोचकर यूनिवर्सिटी ने आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो इतना ध्यान में रखिए क्योंकि ड्यूरेशन तो 3 to 5 ही है, तो 5 बजे आप कितने भी बजे लॉग इन करो 5 बजे आप सिस्टम से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि 4 बजे से पहले आपको सिस्टम में लॉग इन करना है, ठीक है। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन, आपका जो भी ये एग्जाम है ये टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम है, सो यूनिवर्सिटी आपको टोटल 60 क्वेश्चंस देगी, आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन, ओके, एंड दे आर गोइंग टू कंसिडर करेक्ट 50 क्वेश्चंस, सो इट्स अप टू यू हाउ मेनी क्वेश्चंस यू सपोज टू अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको 60 में से 50 क्वेश्चंस ही कंपल्सरी है, लेकिन अगर आप थोड़े ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी करते हो तो यूनिवर्सिटी जो करेक्ट 50 क्वेश्चंस है वही कंसिडर करने वाली है। तो ये ध्यान में रख के आप कितने क्वेश्चन आपको अटेंड करने आप अपनी तरह से आप अटेंड कर सकते हो। डिवाइस, आप ये जो एग्जाम है या आप एंड्रॉयड फोन से दे सकते हो, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दे सकते हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा भी हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, कोई भी हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो वेबकैम है या फिर आप मोबाइल एंड्रॉयड फोन आप यूज कर रहे हो तो उसका जो फ्रंट कैमरा है वो वर्किंग होना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट इज अपडेटेड ब्राउजर, बहुत बार ऐसे होता है आप जब भी टेक्निकल चीजें हैंडल करते हो, कोई भी नए टैब पे स्विच करते हो या फिर कुछ इम्पोर्टेंट नेविगेशन आप यूज करते हो तो वो टाइम पे वो वर्क नहीं करते, तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो जो भी आप यूज कर रहे हो, कौन सी भी सिस्टम है, कौन सा भी ब्राउजर है, क्रोम है या मोजिला फायरफॉक्स है, तो वो ब्राउजर आपका अपडेटेड नहीं है। सो प्लीज रिमेम्बर दैट योर ब्राउजर, वॉट एवर ब्राउजर यू आर गोइंग टू यूज फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन, योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इट शुड बी अपडेटेड, राइट। द नेक्स्ट इज इंटरनेट स्पीड, यू मस्ट हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन एंड द इंटरनेट स्पीड इट इज ऑल्सो गिवन हियर, दैट इज 512 kbps और 2G+, ओके। सो आपका इंटरनेट स्पीड इतना होना चाहिए जिसकी वजह से आपको एग्जाम देने के टाइम पे कोई टेक्निकल इशू ना आए। पॉइंट नंबर 6 दैट इज मॉनिटरिंग थ्रू वेबकैम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम एग्जाम लिया था तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे हुए थे, तो अभी यूनिवर्सिटी आपको मॉनिटर, आप जब भी ऑनलाइन एग्जाम दोगे वो टाइम पे आपका वेबकैम ऑन रहेगा, आपको थ्रू आउट द एग्जाम टाइम पीरियड आपको मॉनिटर किया जाएगा, और ये इसलिए ताकि आप कोई माल प्रैक्टिसेस ना करें, और गलती से भी आपसे कोई माल प्रैक्टिस हो जाती है वो टाइम पे आपको कुछ वार्निंग्स आएंगे, जो पॉपअप्स रहते हैं वो आएंगे, और उसके बाद जो भी है आप सिस्टम से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाओगे और बाद में आप उसमें लॉग इन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है आप ध्यान में रखिए, सो देयर आर सर्टन टिप्स, नन टिप्स आर प्लीज बी अलोन इन द रूम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, आपको रूम में अकेले रहना है, वहां पे आसपास आपकी कोई भी नहीं होना चाहिए, एंश्योर देयर इज नो नॉइज और नो वन इज टॉकिंग इन द रूम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जिस रूम में आप एग्जाम दे रहे हो वहां पे आप अकेले रहो, वहां पे किसी भी प्रकार की आवाज ना हो और आपके साथ वहां पे कोई भी किसी को भी बात करना अलाउड नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी वेबकैम आपको मॉनिटर कर रहा है वो टाइम पे अगर आप
के आसपास कोई पर्सन दिखता है तो वो टाइम पे आपका एग्जामिनेशन होल्ड किया जाएगा और आपके ऊपर एक्शन ली जा सकती है. सो प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज पॉइंट नंबर 7, डोंट स्विच टू अनदर टैब. सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट वार्निंग फॉर यू. During the examination, if you switch to another tab, a warning pop-up such as browser out of focus will appear and your exam will get submitted automatically without further intimation. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आपने गलती से, जैसे कि आप एक टैब में आपका अपने स्टूडेंट प्रोफाइल से अपने सिस्टम में लॉगिन किया हुआ है, आप एग्जाम दे रहे हो और वो टाइम पे आपको आप दूसरे टैब पे स्विच करते हो, जैसे कि दूसरे टैब पे आप गूगल ओपन करें, आप दूसरे टैब पे स्विच करते हो, तो आपको एक वार्निंग पॉपअप आएगा जिसमें लिखा रहेगा ब्राउजर आउट ऑफ फोकस, और आपका जो भी एग्जाम है, आपका जो भी पेपर है, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा विदाउट एनी इंटीमेशन. आपको कोई भी इंटीमेशन नहीं मिलेगा और आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा. और इसके बाद आप लॉग इन नहीं कर सकते, आप लॉग इन भी करोगे तो आपको पेपर आप नहीं दे पाओगे. सो प्लीज रिमेम्बर, डोंट स्विच टू अनदर टैब. बहुत बार ऐसे होता है, मतलब स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम जाता है उनको, और जब रिजल्ट आते हैं तो उनको रिजल्ट्स में या तो वो फेल हो जाते हैं या फिर बहुत कम मार्क्स आते हैं. तो उनका ये कहना रहता है, मैम मुझे पेपर तो बहुत अच्छा गया था, मैंने इतना अटेम्प्ट किया हुआ था, लेकिन पता नहीं मुझे मार्क्स कम मिले. तो इसके लिए दिस 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 पॉइंट नंबर 8, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेव्ड मैसेज एंड क्लियर ऑप्शन. मीन्स व्हाट, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आप एक कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, देर आर फोर ऑप्शंस, आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया, सो इनिशियली आर सिलेक्टेड ऑप्शन नंबर 2 एज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट. तो जब भी आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो वहां पे एक ग्रीन ग्रीन बॉक्स आता है जिसमें आपको ये ऑप्शन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट किया गया है, वैसे आपको उसका नोटिफिकेशन आता है. सी हियर यू कैन सी अ ग्रीन नोटिफिकेशन बार कंफर्मिंग सेव द डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द पेज. आपका जो भी पेज रहेगा उसके टॉप में ये जो कंफर्मेशन है वो आता है कि आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो कंफर्म हुआ है पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. लेकिन आप अगर आप जल्दी जल्दी में जो भी रेडियो बटन्स है, मतलब जो भी ऑप्शंस के बटन है, छोटे छोटे बटन है, उसको रेडियो बटन्स बोलते हैं, अगर आप उसके ऊपर क्लिक जल्दी जल्दी में क्लिक कर रहे हो, आप देख नहीं रहे हो वो आपका जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है वो सेव हुआ है कि नहीं, तो हो सकता है कि आप प्रॉब्लम में आ सकते हो. सो बेटर है पहले आप वो देखो. अगर गलती से अगर आपने ऑप्शन पे क्लिक किया लेकिन वहां पे रेड बार आ गया, मतलब रेड बॉक्स आ गया और आपका वहां पे जो भी आपने ऑप्शन सेव किया है वो सबमिट नहीं हो रहा है, इन दैट केस यू हैव टू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू द सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, बहुत बार ऐसे होते हैं कि देखो मैंने अभी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मतलब मैं कर रही हूँ और मैंने ऑप्शन पे सिलेक्ट भी किया कि ऑप्शन नंबर 2, नाउ वी हैव सिलेक्टेड दैट ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द करेक्ट वन. लेकिन बाद में मुझे लगा नहीं ये रिलेवेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपका ओपन रहेगा उसके राइट हैंड साइड में आपको वहां पे सबमिट टेस्ट के साइड में आपको, मतलब सबमिट टेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक बटन दिखेगा, दैट बटन इज नथिंग बट द क्लियर बटन. तो क्लियर बटन पे आपको क्लिक करना है. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट बटन अगेन देयर विल बी वन बॉक्स इन द येलो कलर, वो आपको ये बताता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो आपका क्लियर हो चुका है. ठीक है, एंड देन ओनली उसके बाद ही आप जो भी आपको ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज रिमेम्बर या आउट वॉट एवर ऑप्शन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करने वाले हो वो ऑप्शन सेव हुआ है कि नहीं वो आपको देखना है. अगर आपको आंसर उसका चेंज करना है तो वो क्लियर हुआ है कि नहीं वो भी आपको देखना है. और इन केस अगर आपको रेड कलर का कोई बार वहाँ पे अपीयर होता है, यानी बॉक्स, और उसमें कुछ मैसेज आता है रेड कलर में, सो इन दैट केस इमिजिएटली यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट सिस्टम. ये ऐसे सिचुएशन में आपको सपोर्ट सिस्टम जो भी आपको वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया हुआ है या फिर नीड हेल्प करके आपको जो टैब दिया गया है वहां पे आपको कम्युनिकेट करना है. पॉइंट नंबर 9,
टेक्निकल इश्यू और एनी अदर इशू। सो बहुत बार आप अभी ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो मोस्टली आपको जो भी इश्यूज आएंगे वो टेक्निकल इश्यूज ही हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे आपको कहा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो उसके लिए वहाँ पे सी इन लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एग्जाम पेज, जो भी आपका एग्जाम पेज रहेगा उसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर में वहाँ पे एक बटन रहेगा दैट इज नीड हेल्प, ओके। और उसमें आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल है यू कैन सिलेक्ट दैट लैंग्वेज, इंग्लिश और मराठी। एंड आपको जो भी क्वेरीज है यू कैन पुट योर क्वेरीज देयर, ओके। एंड इमीडिएटली यू विल गेट रिप्लाई फ्रॉम द टेक्निकल एग्जीक्यूटिव टू रिजॉल्व योर इश्यूज। आप बाद में क्या होगा, जो भी आप क्वेरीज वहाँ पे दर्ज कर रहे हो टू आप चैटिंग, जैसे चैटिंग करते वैसे आपको वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज डालना है इन नीड हेल्प, जो भी आपका टैब है वो टैब पे क्लिक करके आपको आपकी क्वेरीज डालने हैं। तो बाद में आपको वहां से तुरंत रिप्लाई आएगा किससे, टेक्निकल एग्जीक्यूटिव से, और आपका जो भी इश्यू है वो सॉल्व किया जाएगा। अगर ऐसे आपको इमिजिएटली रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सी अगेन यू आर हैविंग सेकेंड ऑप्शन, आपके पास सेकेंड ऑप्शन भी है, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ये जो नंबर है यहाँ पे आपको कॉल करना है और डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से आपको बात करनी है। इसके अलावा आप बाद में भी आपको कुछ ग्रीवियंस दर्ज करनी है तो मुझे ऐसे लगता है कोई भी इश्यू आता है तो आप बाद में भी उसका ग्रीवियंस, जो भी यहाँ पे ग्रीवियंस लिंक दिया है SPSS का, तो वहाँ पे आप आपका ग्रीवियंस, आपकी जो भी तकरार है वहाँ पे दर्ज कर सकते हो। यस, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट दैट इज सबमिट टेस्ट। सो यहाँ पे सबमिट टेस्ट यानी क्या, सिर्फ दो चीजें हैं, जैसे कि टीचर क्लास में पढ़ाता है या तो बच्चों को पूरा समझ में आता है या तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो ये वैसे ही है। आपको टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे का दिया गया है, 1 आवर का आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि 1 आवर से पहले आपका टेस्ट आपका कंप्लीट हो, तो ये तभी हो सकता है जब आपकी अच्छे से प्रिपरेशन एग्जाम के लिए हुआ है या फिर आपको आपका बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये बहुत दोनों केसेस में ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर आपको टाइम से पहले, मतलब टाइम एक्सपायर होने से पहले अगर आपको आपका पेपर सबमिट करना है तो फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट टेस्ट बटन। तो उसके लिए आपको सबमिट टेस्ट बटन पे क्लिक करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पूरा टाइम ले रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम जो भी है, आपका जो भी ये पेपर, पर्टिकुलर कोर्स का पेपर है, वो बाय डिफॉल्ट आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अ कंफर्मेशन मैसेज विल बी डिस्प्लेड बिफोर सबमिटिंग टेस्ट। जब भी आप सबमिट, जैसे कि आप सबमिट टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आप सच में ये बटन एग्जाम जो भी है वो सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको वैसे आपको वो कंफर्मेशन जो भी है वो कंफर्मेशन मैसेज आपको रीड करके आपको आपका जो भी एग्जाम है आपको सबमिट करना है। और ध्यान में रखिएगा कि अगर आप टाइम से पहले आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो और आपका एग्जाम सबमिट हो जाता है, उसके बाद आप वो टेस्ट, वो एग्जाम आप रीओपन नहीं कर सकते, ठीक है। सो प्लीज रिमेम्बर, दीज आर द 10 इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर यू गाइज। तो ये चीजें, ये सभी चीजें आपको, इसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और स्माइल करके एग्जाम के लिए रेडी होना है। यस, अपार्ट फ्रॉम दिस स्लाइड सी आई हैव गिवन लिंक ऑफ यूजर मैनुअल, जिसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है आप टेस्ट देने के टाइम पे आपको कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको टेस्ट कैसे देना है, अलग अलग नेविगेशन टैब्स कैसे यूज करने हैं, इवन बुक मार्क वाला टैब, क्वेश्चन वाला टैब, देयर आर डिफरेंट टैब्स, तो हर एक का इंफॉर्मेशन आपको यूजर मैनुअल में मिलेगा। ये जो वीडियो है ये हमारे जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन के जो डायरेक्टर है काकड़े सर, उनका ही वीडियो है, उन्होंने एग्जाम से रिलेटेड पूरे डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं। इन द नेक्स्ट इज यहाँ पे डेमो दिया है, जब भी आप एग्जाम दोगे तो आपको कैसे उसमें इन होना है, आपको एग्जाम कैसे देना है, और इवन आपका फाइनल सबमिशन, मतलब जो भी आपका एग्जाम है, टेस्ट है, वो सबमिट कैसे होगा, पूरे डिटेल्स ये डेमो में दिए गए हैं। तो ये जो रिलेटेड वीडियोस है, जैसे कि काकड़े सर का वीडियो है, इवन द दिस डेमो वीडियो है, इन स्टार्टिंग, इवन द टाइम टेबल का जो लिंक है, सो सभी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप वो जो भी लिंक्स है वो आप लिंक पे जाके आप डायरेक्टली वो वीडियोस आप दे सकते हो, टाइम टेबल को आप एक्सेस कर सकते हो।
Yes, and now this is the time to give you all the very best, my dear student, and I hope you will achieve great in your examination. Thank you.